नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने 8 लाख की हीरोइन के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। भूना थाना क्षेत्र से ये हीरोइन सप्लाई करने जा रहे थे। डीएसपी सुभाष चंद्र बोले कि फतेहाबाद के गांव ढाणी और ईश्वर के पवन नामक दो शख्सों से लेकर के आए थे ये नशे की खेप। आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टिंकू और संदीप कुमार बाइक पर सवार होकर के जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ा। इन दोनों से 114 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। इस दौरान पुलिस ने आशियाना होटल के पास में नाकेबंदी की हुई थी। दोनों युवक पुलिस पार्टी को देख करके आपस में मुड़ने लगे, यानी गली के नुक्कड़ से वे दोबारा बाइक को घुमाने लगे तो पुलिस को शक हो गया और शक के आधार पर दोनों को पकड़ लिया गया। जब उनकी चेकिंग की गई तो दोनों के कब्जे से 114 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत इस समय मार्केट में 8 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरप्रीत उर्फ टिंकू व संदीप कुमार से पूछताछ इस समय जारी है। दोनों ने पुलिस को बताया है कि हीरोइन की ये खेप वह गांव ढाणी ईश्वर के पवन सांगवान नामक एक व्यक्ति से लेकर के आए थे और आगे वह कई जगह इसे सप्लाई करने वाले थे। डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये जो है ना, कल हमारा सीआईए स्टाफ फतेहाबाद का जो है ना आशियाना होटल के सामने भुना एरिया के अंदर वहाँ नाकाबंदी करके थे, तो दौरान नाकाबंदी दो लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर फतेहाबाद से भुना की तरफ जा रहे थे, तो नज़दीक आने पर पुलिस पार्टी को देखकर जो है ना वापस मोटरसाइकिल मोड़ कर भागने लगे। तो इनको शक के बिना पर एसआई भूपेंद्र व अन्य साथियों ने काबू किया। काबू करके नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम गुरप्रीत व दूसरे ने अपना नाम संदीप सैनी बताया, और जो है उसके बाद में डीएसपी साहब को सूचना दी गई और डीएसपी साहब ने मौके पर जाकर उनकी तलाशी करवाई तो दोनों से 114 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। तो सर कितने इसकी कीमत है और ये कहाँ से ये लोग ले गए हैं? ये इसकी कीमत करीब 7-8 लाख रुपए है और ये जो है ना पवन सांगवान है कोई डाणी ईश्वर का, वहाँ से डाणी बतलाई ना कि भाई वहाँ से ले। तो ये दोनों युवक किसी गिरोह के सदस्य हैं या कभी क्या पता लग पाया? ये अब जो है ना पूछताछ जारी है, थ्रोल इन्वेस्टिगेशन ये बताई इस बात को, और ये वैसे नशा तस्कर है।